वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गोलपदं महंतं गोविंद्र योगींद्रमथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथस्य पादं पादं च स्थामलकं च शिष्यं तंत्रोडिकं वारधिकारमन्यान् अस्माद् गुरुं संततपानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानामालयं गरुडालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादिरायणं शूद्रभास्करो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः यद्वारी निखिलालयं परिसा सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमच्छीलशतं जगद्गुरुपदं नत्वा तृप्तिङ्गदः लोका ज्ञान पयोद पाठ निद्रम श्री शंकरम शरवदम ब्रह्मानंद सरस्वतीम गुरुपदम ध्यायामि ज्योतिर्मयम् गजाननम भूतगलादि सेवितम गभित्तजंबो फलचार वक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल द्वारकाधीश भगवान गिरिराज धरण ठाकुर महाराज की जय। सभी लोग आरती के सम्मान में खड़े हो जाएं। यजमान अपनी अपनी आरती ले लेंगे। जो यहाँ अत्र तत्र घूम रहे वो भी आ जाए आरती में सम्मिलित हो। हरि ओम। चंद्रमा मन सो जातक चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्रादवायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरतीयते पावन पुराण के आरतीयते पावन पुराण की आरतीयते पावन पुराण के आरतीयते पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार सतत सकल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सुमह सदे हरि चरित गान के आरती पावन पुराण विषय विनाश विमोह विनाश विमल विनाश
जले ने शीतली कलम जल घुमा दीजिए आरती पे से अक्षत चावल पुष्प हाथ में रख लीजिए। हरि ओम बाज गे न जग भय जंत देवस्थानी धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेहना कम महिमानः सजंत जत्र पूर्वेशाध्य शांति देवः। हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तेहि प्रचोदयात्। नाना सेवन्ति कामकुल चंपक पाट लब्जे पुल्याग जात कर बेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे विस्तम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदत। तन सुमंद पुष्पाणि रथा कालो भवानी चा पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराणे वृंदावन बिहारी लाल द्वारकाधीश भगवान की गिरिराज धरणे की गौरी शंकर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की ठाकुर बा महाराज व्यास नारायण भगवान सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हरिओम हरिओम श्री राधे। श्री राधे श्री राधे
श्री राधे, श्री राधे, हरिओम 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 हरिओम। अतुलित बलधामम् हैम सैलाभदेहम् दनुज वन कृशानम् ज्ञानिनामाग्रण्यम् सकल गुणधानम् वारणाणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातम् नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज
भागवत महापुराण की। श्री ठाकुर बाबा महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए, बड़े सौभाग्य का दिवस है कि ठाकुर बाबा महाराज की 3 वर्ष उपरांत पुनः उनके लिए कथा श्रवण कराने का अवसर आया है। अरे हमने नहीं चाहा, ये तो ठाकुर बाबा महाराज ने चाहा, इसलिए उनके सानिध्य में और प्रथम रूप में ठाकुर बाबा महाराज के लिए इस कथा का रक्षा सूत्र यजमान के रूप में बांधा गया है। प्रधान यजमान तो मैंने ठाकुर बाबा को बनाया है, मुख्य श्रोता प्रदीप निधि रूप में आप सब बैठे हुए हैं। तो आज से अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि हिंदू नववर्ष तो हमारा चैत्र में आता है, तो इस नववर्ष के उपलक्ष्य में भागवत कथा से शुरुआत पूरे वर्ष का हो रहा है। तो आइए 7 दिन पर्यंत हम, आज से 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे भागवत कथा की, और हम प्रत्यक्ष अनुभूति करेंगे भगवान के चरित्र की, भगवान की लीला की। और जो भाव श्रद्धा से ये 7 दिन सुनेंगे तो उनको जरूर कृष्ण कन्हैया लाल की 7 दिन के बीच में अनुभूति होंगी, ये मेरा विश्वास है। तो आइए बड़े श्रद्धा के साथ, ऐसा नियम है कि भगवान की कथा हो तो कथा आरंभ करने के पूर्व भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। तो आइए भाव और श्रद्धा के साथ हम आप भगवान का स्मरण करते हैं, फिर हम भागवत कथा की ओर चलेंगे। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।
वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्ति और शक्ति की स्वरूपा मात्र शक्ति, भागवत कथा आज प्रथम दिवस ठाकुर बाबा महाराज के सानिध्य में, और सबसे बड़ा इस ग्राम से हमारा एक नाता भी है जन्मभूमि का। यद्यपि अब हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हम यहाँ नहीं रहते, पर वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आया है, जननी जन्म भूमिष्या स्वर्गा दपि गरीयसी। भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है कि एक जननी मां और जन्मभूमि, हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। तो हम लोग भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के भागवत की अलग जगाते हैं, पर यहां जब कथा का विषय आता है कि जन्मभूमि में हो, तो बड़ा अपने आप में हर्ष होता है कि जीवन में कुछ ना कुछ इस भूमि का हमारे द्वारा ऋण चुके। तो आज ये भागवत की कथा शुभारंभ होने जा रही है, और भागवत मानव को मानव बनाना सिखाती है। हर कभी कोई मानव को मानव बनाना सिखाती है भागवत। बैल को कभी कोई ये नहीं बोलता है कि अरे बैल तू बैल बन,
किसी ने कहा बैल से कि अरे बैल तू बैल बन, क्योंकि बैल बैल की तरह जी रहा है, उसको कोई नहीं बोलता अरे बैल तू बैल बन। कुत्ते को कोई नहीं बोलता अरे भाई कुत्ता तू कुत्ता बन, क्योंकि कुत्ता कुत्ता की तरह जी रहा है। गधे को कोई नहीं बोलता कि अरे गधा तू गधा बन, क्योंकि गधा गधा की तरह जी रहा है। पर मनुष्य को बार बार हमारे ये ग्रंथ कहते हैं कि अरे मनुष्य तू मनुष्य बन। हमारे सदगुरु हमारे संत हमें जब उपदेश देते हैं तब ये बोलते अरे मनुष्य तू मनुष्य बन, क्योंकि मनुष्य मनुष्य की तरह नहीं जी रहा है। भोजन हम करते हैं तो पशु भी करता है, तो भैया पशु और हम में क्या अंतर हुआ? अब हम सोते हैं तो पशु भी सोता है। हमको जो डल्लब के गद्दे पे सोने में आनंद आता है, एयर कंडीशन कमरे में सोने में जो आनंद आता है, वो एक पशु को नाली के किनारे सोने में आनंद आता है। तो कहा भाई हम तो संतान उत्पन्न करते हैं, पशु कहां करता का? नहीं भाई पशु भी करता है, हम तो एक संतान उत्पन्न करते हैं पर पशु तो दस दस बारह बारह एक साथ पैदा कर देते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर? मनुष्य और पशु में केवल यह है कि मनुष्य धर्म समझता है। मनुष्य के अंदर धर्म है और पशु के अंदर धर्म नहीं है, वो धर्म समझता नहीं है। और यदि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के साथ साथ हम धर्म को ना समझे तो भैया मनुष्य बनना हमारा व्यर्थ है। समझ लेना कि मनुष्य बिना सींग पूंछ का चलता हुआ वो जानवर है यदि धर्म नहीं समझता है। तो ये भागवत कथा हमें क्या सिखाएगी? हमें धर्म सिखाएगी, मानव को मानव बनाना सिखाएगी। हम अपने लिए क्या करते हैं भाई? अपने लिए भी तो कुछ करो। आज तक हमने बैंक बैलेंस किया, कोठी बंगला गाड़ी ली तो किसके लिए? परिवार वालों के लिए। हम जब छोड़ेंगे तो घर वाले आनंद लेंगे, बच्चे आनंद लेंगे, पर हमारे साथ जाए कभी हमने ऐसा? हम आड़े टेढ़े समय के लिए बैंक बैलेंस बना के रखते हैं कि कोई कष्ट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई बड़ा संकट आ जाए तो हम लाखों रुपए बैंक में डाल के रखते हैं कि विपत्ति कष्ट आड़े टेढ़े समय के लिए वो हमें पैसा साथ दे। तो भाई हम पैसा तो छोड़ करके चले जाएं पर वहां के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो वहां के लिए केवल भैया धर्म है, अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए अपना कल्याण के लिए। और जब ये कोरोना का समय आया तो लोगों को हम लोग कथा में सुनाते थे कि भैया तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे घर के दरवाजे तक ही जाएगी, रोते हुए शमशान तक नहीं आएगी। कल लोग कहते थे पर बच्चा तो जाएगा, बेटा तो जाएगा, वो तो मुखाग्नि देगा हमें।
हम लोग इसलिए व्यवहार करते समाज में कि चार हमारे साथ कंधा देने वाले हों। तो भैया कोरोना ने वो भी समझा दिया कि कंधे की जरूरत भी नहीं, कोई तुम्हें कंधा देने वाला भी नहीं होगा, तुमको पन्नी में लपेट दिया जाएगा। वो घर वाले पत्नी भी दूर से देखेगी, पास में नहीं जाएगी, बेटा भी तुम्हारे पास में नहीं होगा। जिसको कोरोना हुआ उसका बेटा भी दूर से देखता रहा, पास में नहीं गया। तो हम लोग कथा में समझाते थे कि भाई पत्नी तुम्हारी नहीं है, बेटा तुम्हारा तुम्हारा नहीं है, पर कोरोना ने लोगों को प्रैक्टिकल में बता दिया कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे साथ में केवल जो तुम कर लोगे वो जाएगा, तुम्हारे द्वारा जो अच्छे कर्म करोगे। कुछ ना कुछ करना चाहिए जीवन में, अच्छे कार्य करो अपने द्वारा, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए। अपना हित सब चाहते हैं, पर भैया लोगों के हित के लिए आप कुछ करिए। तो भागवत आपको मानव बनाना सिखाती है, मानव बनना सिखाती है, और भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य का समुच्चय है। जीवन में आपको भक्ति भी आए, ज्ञान भी आए, वैराग्य भी आए, तो आप भागवत सुनिए। यदि आपको जीवन में सत्य की अनुभूति करना है कि आखिर सत्य क्या है, तो सत्य की अनुभूति करना है तो भागवत आपको सत्य की अनुभूति कराने वाला पूर्ण ग्रंथ है। और भागवत और भैया भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवत में चार अक्षर है, भा ग व त। भा से सीधा सा समझ लो कि भक्ति, भागवत सुनोगे तो तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगी। और भैया भक्ति किसी की बापोती नहीं है, भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में होगी तब तुम भगवान का नाम ले सकते हो। भगवान की कृपा नहीं होगी तो भगवान का तुम प्यारे नाम भी नहीं ले सकते। भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए आपका पुण्य का बैलेंस होगा तो आप भगवान का नाम जप सकते हैं। न दुनिया की चर्चा, गप सड़ा का इधर उधर की चर्चा में बड़ा आनंद आता है, और राम नाम ले दो तो नींद आने लगती है। तो भाव भक्ति, गा मतलब ज्ञान। भागवत में क्या है, भक्ति है, ज्ञान है, फिर आया वाह वैराग्य है, चौथा अक्षर है ता, त्याग। जब तक जीवन में आपके त्याग नहीं है तब भी आप सत्य मायने में आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की कथा नहीं सुन सकते। इस भागवत में ऐसा क्या है भैया कि हम लोग अपना समय, समय जीवन में इतना बड़ा कीमती है कि समय से बड़ा कीमत कुछ है ही नहीं। जब महानगरों में लोगों के पास मिलो, हम लोग तो सब जगह जाते हैं, तो उनसे कहो कि भाई समय दो, कहने लगे महाराज समय नहीं दे सकते,
पैसा कितना लग जाए उसकी कोई परवाह नहीं है, पर समय नहीं दे सकते हैं। समय जीवन में इतना कीमती है कि आज का जो समय है, आप दुनिया की संपत्ति इस समय को खरीदने में लगा दोगे तो आज का समय कल तो आ जाएगा, पर आज का समय पुनः जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आज जो चला गया वो गया। तो समय बड़ा कीमती है और भगवत कथा के लिए समय की परम आवश्यक है। समय नहीं है तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे। और फिर समय है पर आपका स्वास्थ्य नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, स्वास्थ्य नहीं है तो भी जीवन में आप कथा में बैठ नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ हैं तो ही। अब लोग कहते महाराज फिर कभी बैठ लेंगे कथा में। अरे भैया फिर कब, आज जो समय है, कल रहा है ऐसा स्वास्थ्य की नहीं, कल का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। तो आज स्वास्थ्य है तो आप कथा सुन सकते हैं। समय, स्वास्थ्य और तीसरा भैया कथा करवाने के लिए संपत्ति की परम आवश्यकता है। यदि हम कथा करवाएं तो जो निजी करवाते हैं उनके दिल से पूछिए कि जब वो कथा कोई करवाए तो भैया लाखों रुपए लगते हैं कथा कराने में। व्यास नहीं लेगा जो कर रहा कथा करने वाला है, वो नहीं लेगा तो व्यवस्थाओं में तो पैसा लगेगा ही। तो यहां वाला यहां वालों हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे हरिओम समय समय मैंने कहा। दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है कथा के लिए संपत्ति। पर यहां के लिए तो पढ़ रही के लिए कितना बड़ा ऑफर चलता है भैया। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो आयोजक इतना खर्च करता है कि हम लोगों को दूर से तो लेने, वो महीनों पहले से तारीख बुक कराने के लिए कुछ राशि भेज करके साथियों की और आना जाना सारा। यहाँ तो ये सब कोई चिंता ही नहीं, यहाँ तो एक थोड़ी सी व्यवस्था के लिए रख दिया है। अब इतने पे ना बैठ सको तो भैया इससे बड़ा दुर्भाग्यवान कोई होगा ही नहीं। और हमने तो लोगों से ये भी कह के रखा था कि भैया तुम्हारे पास नहीं है बैठ जाओ,
हाँ नहीं है बैठ जाओ, अभी नहीं है बैसाख में, और नहीं है तो बैसाख में भी मत दो बैठ जाओ। अब कथा तो हो ही रही है। अब इतने से बड़ा अवसर जीवन में कहाँ हो सकता है किसी के लिए। तो तीन बड़ी आवश्यकताएं हैं जब जाके जीवन में आप कथा सुन सकते हैं। तो भागवत और भगवान में भागवत भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं। भागवत भगवान का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है। जो समझते हैं भैया कि ये पोथी है, तो उन पोथी समझने वालों को भैया पोथी है, पर हम लोगों को तो इस पोथी में अक्षर अक्षर में भगवान दिखाई देते हैं। भगवान का वांग्मय स्वरूप भागवत है। भागवत एक शब्द में कहा जाए तो गंगा है। अब गंगा का आप 20 साल बाद भी जल आपको दिया जाए तो आप कड़े बड़े श्रद्धा से कहते, आपने कहा लो साहब गंगा जल, तो आपने बड़े भाव से गंगा जल को लिया और पान किया। अब गंगा जल 20 साल पुराना है, पर कोई नहीं कहता भाई ये गंगा जल पुराना है, क्योंकि गंगा जल नित्य नूतन है, नित्य नया है, बरसों बाद भी नया है। गंगा का जल मेरे भाई बहन कभी पुराना नहीं होता। इसी तरह भागवत भी गंगा है। यदि इस भागवत कथा में कुछ होता नहीं होता तो क्यों लोग अपना इतना लाखों रुपए खर्च करके इस भागवत कथा को करवाते, क्यों लोग इस लाखों की संख्या में वो लाखों लोग इस कथा को करवाते हैं। इसमें कुछ ना कुछ तो होता हो। ना दुनिया के लोग इतने पागल तो नहीं है भैया आज का व्यक्ति की भागवत इतना पुराना ग्रंथ, सदियों पुराना ग्रंथ, और फिर उसको ही बार बार सुनते हैं। तो भागवत कभी पुरानी नहीं है भैया, भागवत नित नई है। जैसे नर्मदा जी में जाओ, जितनी बार भी गोता लगाओ, एक बार गोता लगाओगे और पल नहीं लगेगा और वो जल आपसे स्पर्श होके आगे निकल जाएगा, फिर नया जल आ जाएगा, फिर आप गोता लगाओगे फिर नया जल आ जाएगा, फिर गोता लगाओगे फिर। जैसे नित्य नया जल है, नित्य नया जल है, इसी तरह भागवत नित्य नई है। कभी भागवत पुरानी नहीं है, भागवत नई है। एक शब्दों में कहा जाए तो भागवत भैया दर्पण है। अब दर्पण को तो आप समझ गए आए ना,
एक बात कहें, फोटो तो झूठ बोल सकती है प्यारे, 10 वर्ष पुरानी फोटो देखोगे तो आप भी देख करके राजी हो जाओगे कि 10 वर्ष पहले मैं कैसा लगता था। 25 वर्ष पुरानी फोटो देखोगे तो आप कहोगे वाह 25 वर्ष पहले मैं इतना बढ़िया लगता था। 5 वर्ष पुरानी फोटो देखोगे तो कहेंगे वाह पहले मैं कितना बढ़िया लगता था, क्योंकि फोटो ने तुम्हारी आकृति को पकड़ रखा है। फोटो एक बार झूठ बोल सकती है पर दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। जैसे आप हैं वैसी वो दर्पण, बाल यदि बिखरे हैं तो आपका दर्पण में बाल बिखरे हुए दिखाई देंगे, बाल श्वेत हैं तो वही दर्पण में दिखाई देगा। दर्पण कहने का आशय, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। एक गुजरात में मेला लगता था, एक मैया जी उस मेले में जाती थी। वो मेले में जाते 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 उनको पूरे पूरे 50 वर्ष हो गए। एक दर्पण वाले की दुकान पे गई और दर्पण वाले की दुकान पे दर्पण देख करके 500 का दर्पण देखा, फिर 100 रुपए वाला दर्पण देखा, फिर 50 रुपए वाला दर्पण देखा, फिर 25 रुपए वाला दर्पण देखा, फिर एक 10 रुपए वाला दर्पण देखा। उस मैया ने कहा भैया ये दर्पण कितने का है? कहा सबसे बड़ा मैया जी 500 रुपए का है, उससे छोटा 100 का है, उससे 50, उससे। मैया ने कहा भैया मैं आज से नहीं आ रही हूं इस मेले में, मैं 30 वर्ष की थी तब से आ रही हूं, आज मेरे लिए आते आते पूरे 50 वर्ष हो गए, मैं 80 साल की हो गई। उस समय मैं मेले में आती थी और इतने सस्ते आईने मिलते थे, दर्पण मिलते थे कि मैं जिस आईने में देख लेती थी वो आईना मैं ऐसी दिखती थी जैसे अप्सरा हूं। उस दर्पण वाले ने कहा मैया जी ऐसा कोई दर्पण दुनिया में बना नहीं है, उस समय आप अप्सरा जैसी लगती होंगी, आज आप 80 वर्ष की लग रही हैं, इसलिए 80 वर्ष की दिखाई दे रही हैं। कहने का आशय कि आईना दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, जो आप हैं वो आपको दिखाई देगा दर्पण में। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भागवत दर्पण है। भागवत क्या है? आईना दर्पण। अब ये दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इस दर्पण में 7 दिन में आप बिल्कुल एकाग्रता से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा जीवन राम जैसा है अथवा रावण जैसा है, हमारा जीवन सबरी जैसा है अथवा सूपनखा जैसा है। इस दर्पण में देखने से पता लगेगा। इस दर्पण में देखेंगे तो आत्मा साथ करके देखेंगे तो सारा पता लग जाएगा। भैया ये भागवत महापुराण बड़ा दिव्य ग्रंथ है। तो आइए हम प्रथम श्लोक उच्चारण करके प्रारंभ भागवत महापुराण का करते हैं। सच्चिदानंद रूपाया सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में आया है सच्चिदानंद। हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर है क्या सच्चिदानंद? सत भैया, सत वो है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। हम एक 100 साल जीने के बाद, 80 साल जीने के बाद, 60 साल जीने के बाद एक दिन हमारा आपका अंत हो जाएगा, ये सत्य है। इसलिए लोग जब अंतिम विदाई लोगों को देते हैं तो वो अर्थी पर लेटा रहता है व्यक्ति, और पीछे से लोग कहते राम नाम सत्य है। भैया जीवन भर हमें एहसास है कि राम नाम सत्य है, पर जब वो सब जाता है तो हमें सही ज्ञान होता उस समय कि भैया राम नाम सत्य है। जीवन भर हमें शास्त्रों ने, ग्रंथों ने हमें सिखाया कि राम नाम सत्य है। तो ये राम का नाम, कृष्ण का नाम सत्य है, ये मानना पड़ेगा। तो भगवान का नाम सत्य है, कभी भी नष्ट नहीं होगा। हम आप नष्ट हो जाएंगे, पर राम का नाम आदि में है, मध्य है और अंत रहेगा। हम रहे ना रहे पर राम का नाम रहेगा, ये पक्का है। तो सत भगवान क्या है? सत कभी नष्ट नहीं होते हैं। हम आप तो नष्ट हो जाएंगे पर राम का नाम, भगवान का नाम, भगवान कभी नष्ट नहीं होते। वो है क्या है? सत कभी नष्ट नहीं। दूसरा बोलते हैं चित। चित किसे बोलते हैं? जैसे लाइट ना हो, अंधेरा मचा हो तो हम लोग एलईडी लगाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, आदि आदि साधन करते हैं अंधेरे में भी प्रकाश हो। तो भगवान के लिए बिजली की जरूरत नहीं है, इन्वेटर जनरेटर की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, उनको कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो भगवान सत हैं और भगवान चित हैं, और तीसरा भगवान आनंद है। हमें आपको तो थोड़े से मन के अनुकूल कोई काम हो जाए ना तो हमें बड़ा आनंद आता है। वाह, मन के अनुकूल कोई काम हो गया, वाह आनंद है, आनंद है। मन के कोई प्रतिकूल कोई काम हो जाए तो हमारा आनंद एक पल नहीं लगता और गोल हो जाता। पर भगवान किस समय आनंद में है? राम अयोध्या में रहते हैं तो भी आनंद में है, और राम को जब बन दिया गया तो माता कौशल्या ने कहा, राम अभी आप इस अवस्था में घूम रहे हो, तैयार हो, तुम्हारा राज्य अभिषेक होना है। तो भगवान राम ने कहा, यदि इस मां से मैं कहता हूं कि मां मेरा राज्य अभिषेक की जगह अब मेरे लिए वनवास दिया गया, तो मां इतना भारी शब्द जीवन में सुन नहीं पाएगी, तुरंत प्राण त्याग देगी।
इसलिए भगवान राम ने कौशल्या माँ से कहा, पिता दीन ने मोहे कानन राज। माँ थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है मेरे पिताजी ने, अभी हमें अयोध्या का राज्य बनाया जा रहा था, पर परिवर्तन करके उन्होंने पिता दीन मोहे कानन राज, पिता ने मेरे लिए वन का राज्य दे दिया है, जंगल का राज्य दे दिया है। तो उस समय भी राम भैया प्रसन्न हैं, जिसको बन दिया गया वो राम उस समय दुखी नहीं है। तो कहने का आशय उनके आनंद में कमी नहीं है, जो हमेशा आनंद स्वरूप है वो है भगवान। तो सत कौन है? भगवान। चित कौन है? भगवान जो प्रकाश स्वरूप है। और आनंद, तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। क्योंकि आज कथा का प्रारंभ का दिन है, तो प्रारंभ में कोई हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं? उससे परिचय करते हैं। तो आज हमारा किससे परिचय हो रहा है? भगवान से परिचय हो रहा है। भगवान कैसे हैं? भगवान के स्वरूप से परिचय। क्योंकि जब हमें कोई पहली बार मिलता है तो हम उसके स्वरूप से परिचय करते हैं। कैसा है भैया? कहा भाई वो लंबे लंबे हैं। कहा भाई वो कैसे हैं? कहीं थोड़े ठिंगने ठिंगने। कहा वो कैसे हैं? कहा हाँ हाँ। कहा वो गोरे गोरे? कहा हाँ। कहा थोड़ा सा सावला है तो लोग कहते थोड़े से सावले से। ऐसा स्वरूप से परिचय करते हैं। पहले हमारे दिमाग में हम उसका नाम नहीं बिठालते हैं, पहले हम किसको बिठालते हैं? उसकी आकृति को अपनी आंखों में बिठालते हैं। जब हमें आकृति समझ में आ जाती है, उसका स्वरूप आ जाता है, तो फिर हम उसके काम से परिचय करते हैं कि भाई वो व्यक्ति है तो वो करता क्या है। उसके काम से जब हम परिचय हो जाता है तो फिर हमें नाम से सहज में परिचय हो जाता है। स्वरूप से परिचय हुआ, फिर काम से परिचय हुआ, फिर हमें नाम से परिचय हुआ, फिर नाम लेते ही वो तुरंत उस व्यक्ति की फोटो आगे आ जाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। तो भगवान करते क्या हैं? कहा भाई विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ये पूरे विश्व को रचते हैं, निर्माण करते हैं और फिर अपने आप में विलीन कर लेते हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतु में तापत्रय विनाशाय। इन तीन प्रकार के तापों से मेरे भाई बहन दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी श्याम केदार, सुखी श्याम केदार, सुखी श्याम केदार, सुखी श्याम केदार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास।
कोई तन दुखी। और हम लोग तो सब लोगों में जाते भगवान की कृपा से। कभी कभी ग्रामीण अंचलों में धर्म का प्रचार करने के लिए वहां भी जाना होता है जहां भी लोग टेंट भी नहीं लगा सकते हैं, ऐसी जगह भी हम लोगों का जाना होता है। पत्ते का मंडप बना करके लोग कथा करवा लेते हैं, माइक लग गया, साथी लोग बैठ गए। और कभी कभी धर्म का प्रचार करने के लिए हम लोगों को महानगरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियों वालों के यहाँ भी जाना होता है, जिनके यहाँ संपत्ति का कोई गिनती नहीं, कोई बारह बार नहीं, दस दस फैक्ट्रियां चल रही, ऐसे लोगों के यहाँ भी जाना होता है। सेठ जी दाल के पानी के साथ सूखी सूखी रोटी खा रहे थे, पूछ लिया हम सेठ जी आप दाल के पानी के साथ सूखा सूखी फुलका खा रहे, रोटी खा रहे? कहा हाँ महाराज, इसलिए खा रहे क्योंकि चुपड़ करके खाएंगे, घी लगा करके खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने घी मना किया। कोई तन दुखी, हम कहा करते हैं कि पहले लोगों ने पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य को गवा दिया, पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य को लोग बर्बाद कर देते हैं, रात पैसे 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 पैसे, फिर अब कमाने लगे हैं पैसा, अपना खान पीन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो पैसा तो उन्होंने बहुत कमा लिया पर अब गवा दिया है अपने शरीर को, अब बीमार रहते हैं, अब दो दो चार चार गोली खाते हैं कि हमारी तबीयत ठीक रहे। पहले हमने पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य को गवाया, अब हम स्वास्थ्य बनाने के लिए पैसा गवा रहे हैं। आखिर हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। स्वास्थ्य पैसा के लिए स्वास्थ्य को गवाया, स्वास्थ्य भी हाथ से गया, अब स्वास्थ्य बनाने को पैसा गवा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं लगा। तो तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, बहुत कुछ है पर कभी पत्नी नहीं सुनती, कभी बच्चे नहीं सुनते, कभी घर वाले नहीं सुनते, इसलिए दुखी है। तन दुखी मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। पैसा कमाने के लिए लोग बड़ी बड़ी मेहनत करके महानगरों में लोग पांच पांच छह छह मंजिल की बिल्डिंग पर डिस्टेम्बर कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, प्राणों की परवाह किए बगैर उतनी ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं, गिर जाएं तो प्राण निकल जाएं। पर महाराज पैसा कमाया, अब परिवार में माता पिता की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, अथवा घर में भाइयों के लिए खिलाएं, अथवा पत्नी और बच्चों के लिए खिलाएं, कमाने के लिए क्या, अकेला कमाने वाला खाने वाले दस, इसलिए दुखी है। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। मैं कहा करता हूं कि दुनिया में तो कोई माई का लाल पैदा है ही नहीं है, ये मैं कहा करता हूं, कोई पैदा नहीं है कि जो अपनी छाती पर ऐसा हाथ रख के कह सके कि हम सुखी हैं। बड़े बड़े पैसे वाले से भी पूछ लो कि आप सुखी हैं, तो वो कोई ना कोई बात लेकर के दुखी है, किसी ना किसी बात लेकर के हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि इस संसार का नाम मेरे भाई बहन दुखालय है, इसका नाम दुखालय है, जो आया है उसको दुख भोगना है। सुखी कौन है इस संसार में? कहा भैया सुखी वो है जो भगवान का दास हो चुका है, जो भगवान का दास हो गया। सुखी श्याम के दास, भगवान का दास हो गया है,
कि भैया हमने तो अपना सुख दुख सारा बिहारी जी के चरणों में रख दिया, अब तुमको सुखी रखना हो तो आप जानो और दुखी रखना हो तो आप जानो। तो भैया वो जो सुख और दुख दोनों भगवान को समर्पित कर दिया तो जीवन में वो दुखी कैसे रह सकता है। एक बात और कहें, सुख और दुख ये सबके दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। कभी कभी जुड़वाओं को अपन देख लो तो पहचान नहीं पाते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है। बिल्कुल रंग रूप कपड़े पर थोड़े से चेंज है, पर सुख और दुख दोनों सबके भाई हैं। तो जब सुख सुखी व्यक्ति होता है तो कितना आनंद आता है। तो एक बार एक व्यक्ति रोते रोते गया भगवान के पास और सुख और दुख दोनों भाई हैं। तो दुख रोते रोते भगवान के पास गया, भगवान से कहा कि भगवान मैं इतना बुरा हूं तो मेरे लिए आपने बनाया क्यों। जहां मेरे बड़े भैया जाते हैं ना वहां लोग हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, खुशियां छा जाती हैं, घर में एक आनंद अलग एक माहौल होता है मेरे भैया जाते हैं। और दुख कहता है मैं जिस घर में जाता हूं चिल्ला चोट मच जाती है, लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो मेरे लिए बनाया तो बनाया क्यों आपने। तो भगवान ने कहा भैया चलो तुमको कपड़े जो सुख भैया के हैं वो तुम्हें पहना देते। तो सुखी भैया थे उनके कपड़े दुख के लिए पहना दिए और दुख के कपड़े पहना दिए सुख के लिए। अब जब हमें जिस समय सुख लगता है भैया वो सच्चे मायने में सुख है नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम दुख है। जैसे किसी को खुजली जिसको हुई है वो जानता है, खुजाओ तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि जितना खुजाओ उतना आनंद आता है, पर अंतिम में उसका परिणाम निकलता है कि जिस समय हम खुजाते हैं उस समय हमें बहुत सुख मिल रहा है, पर जब हमने खुजाना बंद किया तो वहीं खून निकलने लगता है तो वो दुख हो जाता है। तो भैया जब सुख आता है तो सही मायने में वो सुख सुख नहीं है और दुख माया है, क्योंकि जिस सुख में हम भगवान का सुमरण भूल जाएं उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तप भजन सुमरन ना हो। सही मायने में दुख जब आता है, क्योंकि दुख में हम भगवान को स्मरण करते हैं और जब हम स्मरण करते हैं तो कितना आनंद आता है। दुख में भी हमारे आंसू गिरते रहते हैं पर हम भगवान को स्मरण करते हैं तो वो दुख सुख सा अनुभूति होता है। और जो सुख में हम भगवान को भूल जाएं भैया वो सुख सुख नहीं है। तो तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे हम भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। गोपाल कृष्ण लाल के चरणों में, कन्हैया के चरणों में प्रथम श्लोक में वंदना करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सभी भक्त समुदाय के साथ भगवान को वंदन करते हैं। ये भागवत का प्रथम श्लोक हुआ है। अभी अब 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक। द्वितीय श्लोक में वर्णन है कि यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेते
नित्यम द्वैपायनो विरह का तर्याजुहावा पुत्रे तितनमयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिन सुखदेव जी ने जन्म लिया, जिनका नालक छेदन संस्कार नहीं हुआ, जिनका जन्म होते ही नड़ावी नहीं काटा गया, जिनका नालक छेदन संस्कार नहीं हुआ, जो मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जन्म लेते ही जंगल की ओर दौड़ गए, जिन पिता को वर्षों से आशा होगी कि हमारा बेटा जब होगा तो हम सुख पावेंगे, बड़ा आनंद करेंगे बच्चे को प्राप्त करके, और उसी बेटा ने जन्म लिया और जंगल की ओर चल दिया, पिताजी पर नहीं रहा गया तो पिताजी पीछे से दौड़े दौड़े गए, अरे पुत्र, अरे पुत्र, अरे पुत्र, जैसे कोई जंगल में चिल्लाए वृक्षों के बीच में राधे राधे ऐसा बोले, तो उस समय वृक्षों से टकरा के आवाज आती है, घनघोर जंगल में जब हो गए आप एक बार बोलोगे और कई बार आवाज टकरा के आए। जब व्यास जी सुखदेव जी के पीछे जा रहे और उन्होंने चिल्लाया अरे पुत्र, तो वहां से भी आवाज आई अरे पुत्र, शायद सुखदेव जी कि ओर से वृक्ष कहना चाहते होंगे क्या तुम पुत्र कहते हो। कितनी बार व्यास जी तुम्हारे पिता सुखदेव बने, कितनी बार सुखदेव के पिता तुम बने, ये तो तुम मानते हो कि कभी किसी के पिता हम बनते हैं और कभी हमारा वो पिता बनता है। आप कहेंगे महाराज ये बात हजम नहीं हो रही कि हम किसी के बेटा बने फिर कभी वो हमारा बेटा कैसे बन जाएगा। तो जब बहू का पेट दर्द हो रहा होता है तो सासू जी को स्वप्न आता है और सासू जी को स्वप्न आया कि हमारे जो ससुर बाबा है ना वो बहू के यहां बेटा बन के आ गया, ये तो मानते हो। सासू को जब स्वप्न आ सकता है कि हमारे ससुर हमारे नाती बन के आ गए, तो ये सत्य है कि कभी हम किसी के नाती बनते हैं कभी वो हमारा नाती बनता है, कभी हम किसी के बाबा बनते हैं कभी वो हमारा बाबा बनता है, कभी हम किसी के पिता बनते हैं कभी वो हमारा पिता बनता है। ये संसार के संबंध है। स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, ऐसे सुखदेव भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं। ओम मंगलम, ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु पाद मंगलम, ओम मंगलम, ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु पाद मंगलम, ओम मंगलम, ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु पाद मंगलम, ओम मंगलम, ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु पाद से नहीं नाली सेवा करते हो। मंगलम, ओ मंगलम,
बात कहें, ताली बजाने से दुनिया के जितने भी रोग हों, किसी ने कहा किसी को बीपी बढ़ता हो अथवा बीपी कम होता हो, किसी को शुगर बढ़ती हो, किसी की शुगर कम होती हो, तो इन हाथों में, एक बार हम लखनऊ गए थे, बहुत इसके बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने मेरी कथा कराई थी। कहा महाराज वो हाथ में हर पॉइंट रहता है। कहा भाई शुगर वाला पॉइंट कहाँ रहता है, बीपी वाला पॉइंट कहाँ रहता है, पृथक पृथक सारे पॉइंट हाथ में रहते हैं। और यदि हम ताली बजाते हैं तो सारे अनुकूल हो जाते हैं, इसलिए ताली जरूर बजाना चाहिए। और एक बात और कहें, आपने किन्नर को देखा होगा, बुंदेलखंड में जिनको खसुआ बोले जाते हैं, कितनी जोर से ताली बजाते हैं आपके दरवाजे पर, इतने भरे पंडाल में एक भी कोई व्यक्ति हो तो जरूर हाथ उठा देना कि हमने किन्नर को बीमार हॉस्पिटल में भर्ती देखा है। किसी ने देखा है, इतने बुजुर्ग भी बैठे हैं, किन्नर को कभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं देखा डॉक्टर के यहां कि उसको बाटल लग रही हो अथवा ऑपरेशन हो रहा हो, क्योंकि वो ताली बजाता है। ताली बजाता इसलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ता, वो ताली बजाता वो संसार के लोगों के सामने, और हम किसके सामने ताली बजा रहे, वो जगत का मालिक के सामने, तो हम बीमार कैसे हो सकते हैं, इसलिए भाव से ताली सेवा करते हैं। थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर थोड़े थोड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर थोड़े थोड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर थोड़े थोड़े आएंगे, दर्शन वो कराएंगे, थोड़ा ध्यान गुरु पर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। Yeah।
छाया में तुझको बैठाएंगे, कहां तुम जाओगे। कृपा की छाया में तुझको बैठाएंगे, जो दर इनके जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुझ पे, भव सागर भर जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुझ पे, भव सागर भर जाओगे। है सर को विश्वास, है सर को विश्वास मन में, ज्योति वो जलाएंगे, गले से तुझे लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर, दौड़े दौड़े आएंगे। 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 थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर, दौड़े दौड़े आएंगे, गले से तुझे लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर, दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर, दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरु पर, दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, भागवत के द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई है नैमि सारण्य के परम पावन क्षेत्र में। देखिए पुराण की कथा यदि आएगी तो नैमि सारण्य का नाम आएगा ही, ये पक्का है। पुराण की कथा होगी जहां वहां नैमि सारण्य तीर्थ का नाम आएगा, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे वो 18 पुराणों में से किसी पुराण की कथा होगी, नैमि सारण्य तीर्थ का नाम आएगा। और हम तो इतने बड़े भाग्यशाली वक्ता हैं कि इस आयु में हमने नैमि सारण्य की तीर्थ भी कथा की, जहां 88,000 ऋषियों ने कथा सुनाई है। उस समय उस भूमि में ये शरीर को मौका मिला, इस दास को मौका मिला, जहां राजा परीक्षित ने कथा सुनी और सुखदेव भगवान ने सुनाई, उस जगह पर भी मौका मिला। तो नैमि सारण्य बड़ा परम पावन तीर्थ है। अच्छा, तीर्थ और धाम में क्या अंतर है? लोग आजकल तो अपने घर को भी धाम लिखने लगे, तो घर को धाम लिखने से थोड़े ही होगा। धाम किसे बोलते हैं और तीर्थ किसे बोलते हैं? तीर्थ उसे बोलते हैं जहां जल की प्रधानता हो। जैसे आप गंगा जी गए, तीर्थ गए, आप नर्मदा जी गए, वो तीर्थ है। जहां जल की प्रधानता है, जहां हम आचमन कर सकें, जहां हम स्नान कर सकें, उसे क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो, तीर्थ। जहां कहा भाई अब क्या दे दो, पहले के लोग चरणोदक को क्या बोलते थे? का तीर्थ पुजारी जी देते थे, तो भगवान के चरणोदक भी तीर्थ हो जाता है, वो जल तीर्थ। तीर्थ उसे बोलते हैं जहां जल की प्रधानता हो, उसे बोलते हैं तीर्थ। अब आप कहेंगे तीर्थ का तो महाराज जी आपने बता दिया, पर आप अब धाम किसे बोलते हैं? धाम उसे बोलते हैं जिस धाम में
स्थान की विशेष महत्वता हो। जैसे वृंदावन धाम, गोवर्धन धाम, चित्रकूट धाम, चारों धाम, अयोध्या धाम। धाम उसे बोलते हैं जहां भूमि की प्रधानता है। तो महाराज नैमी सारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्र थे। अच्छा, ये ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे लिए कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम लोग सत्संग कर सके। सत्संग के लिए भूमि भी बड़ी पावन होती है। ऐसे ठाकुर बाबा जी का प्रांगण है ना, 3 वर्ष पहले मैंने यहां कथा की, ये 4th वर्ष, और 3 वर्ष लगातार मैंने कथा की। अब कोई लगातार करने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ ना, आप सोचेंगे अगले वर्ष फिर नहीं, अब तो ये जीवन रहेगा तो फिर कभी 2-5 साल में, फिर ना 3-4 साल में कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ना अगले वर्ष का कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा, और अगले से अगले का भी नहीं है, और अगले से अगले का भी नहीं। बस 4th वर्ष में यदि ये शरीर रहा तो 4th वर्ष में फिर प्रयास किया जाएगा, फिर होगी। क्योंकि अब हमारी ही इतनी दौड़ भाग लगी हुई है जीवन की, कार्यक्रमों की व्यस्तताएं भी हैं, ये तो मौका निकालना पड़ता है। और यहाँ की कथा करने के लिए हमें 15 दिन से यहाँ हैं, हम पढ़ रही ग्राम में 15 दिन से हैं। जब थोड़ी सी धूल चढ़ गई शरीर पे सो फिर बीच में चले जाएं सागर में, ये अब थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर आते हैं, फिर निकल गए। जब जाके यहाँ की कथा संपन्नता की ओर है, प्रयास तो था कि इनक्याओं लोक कथा में बैठे, पर अब हमें गिनती नहीं है आज के कितने लोग बैठे हैं। जितने से बात हुई थी वो तो है नहीं है, कुछ लोग हैं ना। और मैंने ये भी माना कि जिनके ऊपर ठाकुर बाबा महाराज की कृपा है, क्योंकि ठाकुर बाबा चुनेंगे उसको ही जिसके ऊपर कृपा होगी। और मैंने रक्षा सूत्र भी कल उनको ही बांधा है यजमान का, रात्रि में हमने उन्हीं को बांध दिया था कि बाबा आप सब जगह हो आए होंगे, अब आपको ही रक्षा सूत्र है, आप अब कथा सुने शांति से। तो नैमी सारण्य तीर्थ कहा ब्रह्मा जी से, मेरा मनोमय चक्र जाके जहां गिरे वो भूमि पावन है। तो चक्र की जो धुरी थी, नीचे की धुरी थी, उसको बोलते हैं नैमी। उसको क्या बोलते हैं? नैमी। तो नैमी जाके वहां गिरी, किसमें? आरण्य में, उस जंगल में। तो उस भूमि का नाम क्या पड़ा? जोर से बोलो, नैमी सारण्य। जहां चक्र की धुरी गिरी उस आरण्य जंगल में, तो उस जंगल का नाम नैमी सारण्य हो गया। तो आज भी चक्र तीर्थ है, जहां उसकी कोई थाह आज तक नहीं पाया। वहां का भी बड़ा पिंडदान का महत्व है, लोग वहां जाके पिंडदान करते हैं। तो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि में सोन का आदि 88,000 ऋषि एकत्र थे। 88,000 बताइए, 88,000 इस भागवत के श्रोता बैठे हैं। वो वक्ता कौन है? वहां सूत जी का आगमन है और वो श्रोता बैठे हैं। किसी के जीवन में कितने इंद्र बदल चुके,
किसी के जीवन में कितने ब्रह्मा बदल चुके, किसी के जीवन में कितनी बार चतुर्युगी व्यतीत हो चुके। अब चतुर्युगी आप समझेंगे, चतुर्युगी उसे बोलते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों जब एक साथ निकल जाएं तो उसको बोलते हैं एक युगी। तो ऐसे ऐसे ऋषि हैं कि कई बार जिनके जीवन में कई युगी निकल चुकी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कई बार निकल चुके, सैकड़ों सैकड़ों बार निकल चुके, ऐसे ऋषि विराजमान हैं। अब आप कहें कि कलयुग की आयु ही हम आपको बता दें, तो कलयुग की आयु है, ध्यान देना, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। समझ में आ रही होगी, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। उससे दुगनी आयु द्वापर की है, 8,64,000 वर्ष आयु है द्वापर की। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष, त्रेता की इतनी आयु है। और द्वापर की वो सतयुग की है 17,28,000 वर्ष। तो आपको यदि याद ना रहे तो सीधा सा याद करने के लिए कलयुग की 4,32,000 वर्ष, उससे दुगनी द्वापर की, उससे तिगनी त्रेता की, उससे चौगनी आयु सतयुग की। तो ऐसे महाराज चारों युग ऋषियों के निकल चुके हैं, वो ऋषि विराजमान है। और कथा सुनने के लिए, और सूत जी की उम्र कितनी है, ये तो हमने श्रोताओं की उम्र बताई है कि श्रोता इतनी लंबी उम्र के विराजमान है, और सूत जी जो हैं वो हैं 22 वर्ष के। हमारी संस्कृति में हमेशा बच्चों को सम्मान दिया गया। लोग कहते बच्चों का कभी आदर नहीं हुआ, नहीं, हमेशा हमारी संस्कृति में हम बच्चे का सम्मान करते नजर आए हैं। जो बच्चा जैसे पिता मोबाइल चलाना नहीं जानता है, घड़ी सेट करना नहीं जानता, तो अपने नाती को दे देता है बाबा कि ये इसमें तारीख समय सेट कर दो, तो बच्चा तारीख समय सेट कर देता है। तो जो ज्ञानी होता है, भले ही वो कितनी उम्र से नहीं ज्ञानी की उम्र देखी जाती है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता, ध्यान देना मेरे भाई बहन, धन में कोई बड़ा हो तो शास्त्र की दृष्टि में उसको बड़ा नहीं कहते हैं। कहा महाराज पैसा वाले का तो हर जगह सम्मान है, कहा नहीं, धन में जो बड़ा है शास्त्र की दृष्टि में वो बड़ा नहीं माना जाता, धन वृद्धा। तो कहा बल वृद्धा, जो बलवान होगा उसको तो बड़ा माना जाता होगा। कहा ना भाई, जो बल में बड़ा है वो शास्त्र की दृष्टि में वो भी बड़ा नहीं माना जाता। तो कहा जो आयु में बड़ा होता हो, 100 वर्ष का व्यक्ति हो गया तो बड़ा होता होगा। कहा ना भाई, वो भी बड़ा नहीं होता है। फिर बड़ा किसको माने जाते मानते हो, धन में बड़ा उसको बड़ा मानते नहीं, बल में बड़ा है उसको आप बड़ा मानते नहीं, आयु में बड़ा है उसको बड़ा मानते नहीं, फिर बड़ा कौन है?
कते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरासिस किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप हमें वो कथा सुनाइए जो हमारे जीवन में भक्ति बढ़ाने वाली कथा हो, वो कथा सुनाइए जो हमारा ज्ञान बढ़ाने वाली हो, वो कथा सुनाइए हमारे जीवन में वैराग्य को बढ़ाने वाली हो और हमें माया मोह से मुक्ति दिलाने वाली हो, ऐसी कथा सुनाइए। हम अपने लिए कथा नहीं सुनना चाहते, सोनकादि ऋषियों ने कहा। हम लोग कथा सुनते हैं, धर्म करते हैं, किस लिए? कि भाई हमारा परिवार बढ़े, हम बढ़े, हमारा वंश वृद्धि हो और हमारे परिवार में उत्तर उत्तर सुख की वृद्धि होती रहे, इसलिए हम धर्म करते रहे, धर्म सींचते रहते, धर्म बढ़ाते रहते। पर संत सोनकादि ऋषि कहते हैं हम इसलिए कथा सुनना चाहते हैं कि यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सोनकादि ऋषियों ने कहा कथा हम सुने संसार के लोगों का कल्याण हो। क्यों? कहा लोगों की केवल ये धारणा रह गई है खाना पीना रोना हंसना, इसमें ही पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। क्लेशोक्रांतों से व्यक्ति का जीवन आक्रांतित हो गया है, क्लेशों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, इसलिए हमें वो कथा सुनाइए कि पावन में पावन करने वाली कथा हो, मंगल में मंगल करने वाली कथा हो और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। कलयुग का प्राणी ऐसा तो है नहीं कि भाई 10,000 तपस्या 10,000 वर्ष तक तपस्या कर सके। कलयुग का प्राणी ऐसा तो है नहीं कि लाखों वर्ष जल में खड़े होकर के भगवान का भजन कर सके, इतना तो उसके पास समय नहीं। आयु ही 100 साल की, 100 साल भी जीता है। पहले जो आयु दी गई है, ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष की आयु दी थी मनुष्य के लिए और 40 वर्ष की आयु दी थी गधा के लिए, 40 वर्ष की आयु दी थी कुत्ता के लिए, 40 वर्ष की आयु दी थी उल्लू के लिए। अब 40 वर्ष का मनुष्य कहता है 40 वर्ष का सही जीवन है हमारा आपका। 40 वर्ष तक की आयु में तो लोग कहते जहां लात मार देंगे वहीं पानी आ जाएगा, ऐसा दलाक करके लोगों से कहता है। और 40 वर्ष बाद उन्हीं को मैंने लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि कोई एक गिलास पानी दे देता। जो दम्भ भरते थे शक्ति की, जो दम्भ भरते थे अपने ताकत की, उन्हीं को अपने बच्चों के सामने एक गिलास पानी मांगते हुए मैंने देखा। तो मनुष्य के लिए 40 वर्ष की आयु थी। मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गया, कहने लगा मेरे लिए तो बहुत कम आयु दी है। तब तक कहा कोई आएगा तो वापस आयु वापस करने के लिए वो हम तुम्हें दे देंगे। तब तक गधा आया, कहने लगा थक जाऊंगा जीवन में, ढोते ढोते जीवन का भार, इसलिए हमारी आयु कम कर दो। आधी कम करी गधे की,
20 वर्ष आयु कम कर दी और मनुष्य से कहा भैया जी गधे की उम्र लोगे क्या। मनुष्य इतना लालची है वो कहता भाई आयु तो आयु है, चाहे गधे की हो चाहे कोई की हो, आयु है साफ दे दो आप ले ली उसमें। पर ब्रह्मा जी के पास गया, कहने लगा तब भी संतुष्ट नहीं हूं, 60 वर्ष की आयु है इसलिए हमें कुछ और आयु दे दो। तब तक कुत्ता आया, कुत्ता ने कहा दूसरे के टुकड़ों पर भौंकना पड़ेगा। तो उसकी 40 वर्ष थी तो कुत्ते की भी 20 साल कर दी। यद्यपि कुत्ता 20 वर्ष जीता नहीं, 10-12 साल जीता है। ऐसे ही तो सही आयु उसकी 20 साल की है, जैसे सही आयु 100 साल की मनुष्य की, पर 100 साल कहां जीता है। तो कहा कुत्ते की उम्र लोगे, मनुष्य कहने लगा साहब उम्र तो उम्र है, दे दो कुत्ते की उम्र दे दो। कुत्ते की उम्र ले ली उसने, अब 80 साल का हो गया मनुष्य। तब तक उल्लू आया, कहने लगा मेरे लिए भी दिखाई नहीं देता दिन में, मेरी आयु आधी कर दो। 20 साल निकली आयु कम की, मनुष्य से कहा लोगे 20 साल, कहा उसकी है उल्लू की, कहा साहब उम्र तो उम्र है। अब वो चले गए, अब सही 40 वर्ष की मनुष्य की है उम्र। 40 के बाद 41वां वर्ष लगा भैया, गधे की उम्र लग गई आप, गधे की उम्र है। कहा पिताजी बाजार से हेल ले आना, पिताजी बाजार से हेल लाना भैया वो सामान, ये सामान ढोते ढोते 60 वर्ष के हो गए। अब 60 वर्ष में शरीर स्थूल हो गया, चल नहीं रहा है, सो बिस्तर पकड़ लिया, अब लग गई कुत्ते की उम्र। सो दरवाजे पर पलंग पड़ा है और कौन आया, वो चिल्ला रहा है दरवाजे पे कौन आया है। कहा पिताजी जब देखो, जब आप कहते कौन आया क्या आया, आप शांत क्यों नहीं रहते, क्योंकि अब तो कुत्ते की उम्र लगी है बच्चों को भौंकना। 80 वर्ष तक मैं से, अब कुछ वर्ष से मैं देख रहा हूं बुजुर्ग लोगों के दर्शन बहुत कम होते जगह जगह। हम कहीं कथा में जाते थे, बुजुर्ग लोगों के कथा माताएं बैठती थी, बुजुर्ग और बुजुर्ग माताएं, मैंने अपने जीवन में ऐसी माताओं को देखा 80-80 साल की हो गई, 100-100 साल की हो गई, पर उनकी महाराज घूंघट तो ऐसा है ही, इतनी मर्यादा। तो अब कुछ वर्ष से बुजुर्गों के दर्शन नहीं हो रहे, तो ऐसी मनुष्य की उम्र है 100 वर्ष की। 100 वर्ष में खाना पीना रोना हंसना इसमें लगा हुआ है, उसके लिए भगवान के भजन के लिए समय है नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय बताइए सोनका दृश्यों ने कि कम समय में भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा जोर से बोलो, आज एकादशी तो है नहीं। चिंता मणिर लोक सुखम। एक पारस मणि होती है, लोहे में स्पर्श करा दो सोना बना देती है। सुरुत्रु स्वर्ग संपदम। एक कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ कर के जो मांगो वो मिल जाता है। भैया भागवत भी कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे, पर आप जो मांगोगे कहने का ये मतलब नहीं कि आप एक पड़ोसी की आंख फूटना मांगो तो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी का भला सोचोगे तो ही मिलेगा, दूसरे का बुरा मांगोगे तो नहीं मिलेगा। दूसरे को भला मांगोगे कि सबका भला हो, सबका कल्याण होगा,
तो अवश्य मिलेगा भागवत से। जन कल्याण की भावना आपके अंदर होगी तो जरूर भागवत से मिलेगा। प्रयक्षति गुरुपी तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। गुरु किसे बोलते हैं? गु बोलते हैं अंधकार के लिए। गु है ना जो, उसको बोलते हैं अंधकार। और रू उसे बोलते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, संसार से परमात्मा की ओर ले जाए, वो है गुरु। गुरु से प्रेम जो करते हैं भव सागर से वो तरते हैं, उनका बेड़ा पार सदा जो गुरु से करते प्रेम सदा। इस तरह महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी विराजमान है। सूत जी कहते हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन है जैसे काल रूपी सर्प है, वो अपना मुख फैलाए बैठा है। काल रूपी सर्प मुख फैला करके बैठा है और हम उसके मुख में पालती मार करके बैठे हैं। किसके? काल रूपी सर्प के मुख में पालती लगा करके बैठे हैं। अब काल रूपी सर्प कब अपना मुख बंद कर ले और कब राम नाम सत्य हो जाए, क्या भरोसा है कोई जीवन का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। क्या भरोसा है रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, हो समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, हो दम निकल जाएगा, हो दम निकल जाएगा, हो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, आदमी साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देती नहीं है
सर्प के मुख में हम पालती लगा करके बैठे हैं, कब काल रूपी सर्प अपना मुख बंद कर लेता है वो, कब हमारा आपका राम नाम सत्य हो जाए, कोई भरोसा इस जीवन का नहीं, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि हम 5 बजे तक कथा सुना पाएंगे कि नहीं, और आप सुन पाओगे कि नहीं, इस बात की कोई हमारे पास आपके पास कोई गारंटी नहीं है। जीवन की काल रूपी सर्प के मुख में पालती लगा रहे बैठे हैं, और कब काल रूपी सर्प अपना मुख बंद कर लेता है, कब हमारा आपका राम नाम सत्य हो जाए। जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सोने के कलश में अमृत भरत बदल भर करके देवराज इंद्र आए और सुखदेव भगवान से कहा, इस मरण धर्मा परीक्षित के लिए ये स्वर्ग का अमृत है ना, ये पिला दो, ये अजर अमर हो जाएगा, परीक्षित मरेगा नहीं अमृत पी लेगा, और ये भागवत अमृत हमको पिला दो। किसने कहा? देवराज इंद्र ने, क्योंकि ये देवता लोग बड़े सौदागर लोग हैं, सौदा करना बहुत अच्छा जानते हैं। कहने लगे बदला कर लो, पर सुखदेव भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कहां कांच स्वर्ग का अमृत, कहां ये मणि भागवता अमृत, कांच और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, मना कर दिया।
देवराज इंद्र वापस चले गए सीधे स्वर्ग में। और देवराज इंद्र जब वापस गए तो ब्रह्मा जी महाराज ऋषियों ने कहा कि ये मेरे लिए मरण धर्मा परीक्षित को भागवत सुनाता सुनाते रहे सुखदेव, और हम देवराज ठहरे देवता ठहरे, हमारे लिए अमृत पान नहीं कराए। तो उन्होंने कहा स्वर्ग में जाने के जितने भी साधन हैं, एक तराजू मंगाया और ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में जाने वाले साधन दान है, दक्षिणा है, ब्राह्मण को भोजन कराना, गौदान कराना, यज्ञ करना, सत्कर्म करना, जितने भी पुण्य से स्वर्ग मिलता है सारे साधन तराजू पर रखते हैं, और दूसरे तराजू के पलड़े पर भागवत जी रखते हैं, और तोला है। स्वर्ग में जाने वाले जितने भी साधन है वो तोले और भागवत जी को तोला। तो क्या हुआ कि लघुन्यानी जातानी गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं व्ययो। स्वर्ग में जाने वाले साधन सब हल्के हो गए, भागवत जी का पल्ला श्रेष्ठ हो गया, और ये निश्चित हो गया कि भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। भगवान जब इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी आदि ने पूछा कि भगवान कलयुग में आप कहां रहेंगे? तो भगवान ने कहा मेरा जो दिव्य तेज है मैं भागवत में रखता हूं। तो भैया भागवत साक्षात भगवान है, भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है। इसके अक्षर अक्षर में, श्लोक श्लोक में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं, भगवान कन्हैया समाये हुए हैं। और जब नारद जी को पता लगा तो नारद जी ने कहा वाह मृत्यु लोक में भागवत कथा, मृत्यु लोक में आए। और मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते सभी जगह से सीधे बद्रीनाथ में पहुंचे, और बद्रीनाथ में चार ऋषि मिल गए, सनत सनंदन सनातन कुमार, चारों ऋषि मिले और ऋषि मिले, उन्होंने मिलकर के नारद जी को आया देख करके देखा है कि नारद जी का चेहरा उदास दिखाई दे रहा है। कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनं तव। सनत कुमार ने पूछा है ब्रह्मन् अपना चेहरा उदास क्यों दिखाई दे रहा है, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसका कारण बताएं। तो नारद जी कहने लगे मैंने मृत्यु लोक को सर्वोपरि माना और मृत्यु लोक में आया कि अहम तो पृथ्वीं व्यातो ज्ञात्वा सर्वो तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा।
मैंने मृत्यु लोक को सर्वोपरि मान करके मृत्यु लोक में आया, मैं पुष्कर गया। नारद जी कहते मैं प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम माने हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्रम गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, एवं आदेशु तीर्थेशु समस्त तीर्थों में भ्रमण करता हुआ मृत्यु लोक में मैं आया। तो मैंने क्या देखा है, कहीं भी मैंने शांति नहीं पाई। कोई सत्य नहीं बोलता है, यदि कोई एक बार सत्य बोलता है तो वो दरवाजे के सामने नेम प्लेट लगवा लेता है और कहता सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद मैं ही, और कोई नहीं। यदि एक बार पति का सम्मान कर लिया तो वो स्त्री कहती सती अनुसुईया के बाद बस मेरा ही नंबर है और कौन है। सत्यम नास्ति तपासोचम, मैंने सत्य नहीं देखा, तप नहीं देखा, लोगों के अंदर दया नहीं देखी, मैंने दान नहीं देखा। उदरम भरलो जीवा, कलयुग के लोगों के लिए बस एक ही विद्या लोगों को समझ में आती है, एक ही विद्या समझ में आती है, भगवान की राम कृष्ण की भक्ति कोई नहीं सिखाता है अपने बच्चों के लिए। मेरे भाई बहन, बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दें, अपने नातियों के लिए बहुत अच्छे संस्कार दें। और इस बार तो मैं पढ़ रही में बहुत जगह घूमा हूं गांव में, इतना जीवन में मैंने शायद किसी के घर में, कभी ऐसे घर भी हैं कि अभी तक जन्म से लेके अंत तक मैं गया ही नहीं हूं अभी तक, पर अभी इस बार मैं गया तो मैंने प्रत्येक घर में देख लिया कि कैसा, किसके अंदर सम्मान है ब्राह्मणों के प्रति, किसका नहीं, किन के बच्चों में संस्कार है, ये भी हमने समझ लिया। हाँ, 30% हमें बहुत अच्छा परिवार है गांव में, धंधा नहीं कर रहे, 30% इन माताओं ने धर्म को बहुत संभाल करके रखा है, क्या आदर है। किन्हीं किन्हीं हम राजपूत जी के यहां गए तो वो एक छोटा सा नाती ने हमें प्रणाम किया तो वो सिर नहीं उठा रहा, हमने कहा ये सिर नहीं उठा रहा है, 3 साल का बच्चा, कहा महाराज जी वो नहीं उठाएगा जब तक आप उठाओगे नहीं उसको। मैंने कहा वाह, हमें गर्व महसूस हुआ कि वाह, हमारे गांव में भी ऐसे नन्हे से बच्चों के लिए बुजुर्ग शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। ऐसा संस्कार प्रत्येक घर में होना चाहिए। क्या सम्मान, बच्चे माथा रख के प्रणाम, हम लोग प्रणाम करते हैं लोगों को, गुरुजनों को ऐसे प्रणाम करते हो, कहते अच्छो सो आशीर्वाद दीजो, का दीजो भैया अच्छो, अच्छा निकलेगा ही नहीं मुख से। और जब आप चरणों में गिर जाएंगे तो हमारी ताकत नहीं है कि हम मन से आशीर्वाद नहीं दें, कोई भी ब्राह्मण का ताकत नहीं है कि आप जब गिर के प्रणाम करेंगे और वो आशीर्वाद देके ये ना कहे कि खुश रहो आनंद रहो। हम लोग मुख से कहते आशीर्वाद अच्छो सो भैया, आशीर्वाद किसी से कहने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद तो निकलता है। माता पिता से आप सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद मांगो नहीं, सेवा करके वो देंगे। आप जब सेवा करोगे तो आपको आशीर्वाद हृदय से देंगे माता पिता। हाँ, माता पिता से कभी ये ना कहोगे आप हमें आशीर्वाद, माता पिता की सेवा से आप प्रसन्न हो जाएंगे तो माता पिता सहर्ष होकर के, गुरुजन खुश होकर के आपके सिर पर हाथ रख देंगे। तो बच्चों के लिए संस्कार दें मेरे भाई बहन, बच्चों के लिए धन जोड़ के जाना नहीं जाना ये चल जाएगा,
पर बच्चों के लिए संस्कार देके जरूर जाएं। कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पुत्र सतपुत्र होगा तो भैया कोई धन कमाने की जरूरत नहीं है, वो अपने विद्या बाहुबल से स्वयं धनवान हो जाएगा, उसको कोई धनवान बनाने की जरूरत नहीं है। आप संस्कार दे दो, संस्कार दोगे तो संस्कार से वो स्वयं धनवान बन जाएगा। और पूत कुपुत पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, और भैया कुपुत्र पैदा हो गया घर में क्या धन संचय, क्या धन कमाने की जरूरत नहीं, कितना जोड़ोगे, पल भर में बर्बाद कर देगा, ठिकाने लगा देगा। इसलिए निवेदन है इस व्यासपीठ से आज की कथा में कि अपने पुत्र प्रपोत्रों को आप धन देके जाना, नहीं देके जाना वो चल जाएगा, पर बच्चों के लिए संस्कार देके जरूर जाए, अच्छे संस्कार। विद्यालय स्कूलों के ऊपर बिल्कुल आप निर्धारित ना रहें कि हमारे बच्चे के लिए तो अच्छी शिक्षा दी जा रही है स्कूल में। भैया स्कूल की पढ़ाई तो बस आप देख ही रहे हैं, डीओजी डॉग डॉग माने कुत्ता कुत्ता बिल्ली, जब शुरू से पढ़ाया जा रहा है तो राम कृष्ण की भक्ति कैसे आएगी। आप बच्चे को संस्कारवान बना के जाए, आप संस्कृत बना के जाए, शिक्षित बना के जाए, योग्य बना के जाए। धन कमाने की जरूरत नहीं, जोड़ दोगे भाई तुम्हारे क्या जोड़ गए और तुम क्या जोड़ के जा रहे। बस बच्चे के लिए एक ही आज दिमाग में बात रख लेना कि हमें ज्यादा पैसा जोड़ के नहीं जाना है, हमें बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा दे के जाना है। अच्छी शिक्षा दोगे तो बच्चा अपने आप जोड़ लेगा पैसा, और ज्यादा जोड़ के जाओगे कुपुत्र पैदा हो गया तो 100 एकड़ भी कर देना, 200 एकड़ भी कर देना, सब ठिकाने लगा के रोड पे हो जाए। तो इसलिए बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दें, नातियों के लिए सबसे ज्यादा नाती दादा दादी की गोद में रहते हैं, दादा दादी अच्छा काम करें, दादा दादी बच्चों के देखने के लिए मंदिर भी जाएं, बहाना बना के मंदिर जाओगे नाती को लेके तो भैया जो मंदिर और माला से अपने नातियों के लिए जोड़ करके जाएगा तो वो कभी माला लेगा, और जो मंदिर जाएगा तो जीवन में कभी वो दारू की सिसिया कभी हाथ में नहीं लेगा। जिसने अपने नातियों के लिए अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दिए तो अच्छे संस्कार दे करके आप जाएं। और उधरम भरलो जीवा बरा का कूट भाषणा, आज नारद जी महाराज कहते हैं मैं मृत्यु लोक में आया तरुणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदायक, हमेशा घर में बुजुर्गों को सम्मान देना मेरे भाई बहन, बुजुर्गों को सम्मान दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि बच्चे घर के कोरमल कापी हैं। कोई कागज उतारना पड़ता है तो क्या करते हैं हम, जिस कागज पे लिख रहे होते हैं उसके नीचे कारमल लगा देते हैं, वो कारमल लगा के जब लिखते हैं तो एक ऊपर कापी हो जाती है और एक नीचे कापी हो जाती है। तो बच्चे भैया कोरमल कापी हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो नीचे भी वही कापी उतर रही है, हाँ, और आप सेवा नहीं करोगे तो वो कापी वो भी उतर रही है,
इसलिए ध्यान देना, अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान होना ही चाहिए, बुजुर्गों का आदर होना चाहिए। एक बात कहें आपसे, घर के दरवाजे के सामने वृक्ष लगा होगा तो भैया वृक्ष लगा होगा तो फूल नहीं देगा तो भी चल जाएगा वो वृक्ष, फल भी नहीं देगा तो भी चलेगा। दो चीज नहीं दे रहा है, ना फूल दे रहा है ना फल दे रहा है, तो आपको क्या दे रहा है? दोनों नहीं देगा तो भैया छाया तो देगा ही देगा, ये निश्चित है। तो आपके माता पिता घर में हैं तो आपको कुछ संपत्ति दें नहीं दें, पर माता पिता की छाया आपको रहेगी। आप घर से बाहर हैं और घर में आपके पिता हैं माँ हैं, तो आप तीन नहीं आठ दिन, आठ नहीं दस दिन कहीं रुके आए, चिंता नहीं रहती बिल्कुल भी घर की। और कहीं आपके घर में बुजुर्ग नहीं है तो आपको पल पल में घर की चिंता रहती है, पल पल में कि अब। और घर में यदि माँ है तो निश्चिंतता रहती, चलो माँ है हमारी, घर में पिताजी हैं, तो घर में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। और बुजुर्गों का सम्मान आप करोगे तो आपका बेटा 100% आपका सम्मान करेगा। एक यादव हैं हमारे भक्त, वो हमसे कह रहे थे कि गुरुजी मैंने जो जो बात पिता की मानी है वो आज हमारा बेटा एक बार भी हम कहें और तुरंत मानता है, और जो बात मैंने पिता की नहीं मानी वो मेरा बेटा आज हमारी मानता नहीं है। तो तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदाय का, घर में बेटा की शादी हो अथवा बेटी की शादी हो, एक बात कहें, बुजुर्गों से राह जलूल लेना। पर भागवत में लिखा कि कलयुग आएगा तो बेटा की शादी की चर्चा होगी तो बुड्ढे माँ बाप से लोग नहीं पूछेंगे, स्याल को बुद्धिदायक का लोग साले से सलाह लेंगे, भागवत में लिखा है। और ब्रज में कहावत है, दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो। दीवाले यदि मजबूत रखना है तो ज्यादा अलवारियां मत बनाओ, पहले जो अलवारियां बनती थी वो अलग से नहीं बनती थी, दीवाल के अंदर ही बनती थी, जिनको बुंदेलखंड में भंडरियां बोलते थे, दीवाल के अंदर। तो उस जहां वो अलवारी बनी होगी वो उतनी मजबूत दीवाल रहेगी नहीं वहां पर। और जिस घर में ज्यादा सलाह पल पल पर साले से ली जाती है वो घर सुखमय नहीं व्यतीत हो सकता है, वो घर सुखमय। भैया तुम्हारा भाई दुश्मन भी हो जिससे तुम बोलते नहीं हो, बात भी नहीं करते हो, और सलाह की बात हो तो भाई दुश्मन भी हो तो उससे सलाह ले लेना एक बार। बुजुर्गों का सम्मान स्याल को बुद्धिदायक का, इस तरह महाराज नारद जी कहते मैं मृत्यु लोक में आया, यमुना किनारे गया, यमुना किनारे दो वृद्ध पड़े हुए थे और एक युवती कन्या 16 वर्ष की, और मेरे लिए उस कन्या ने देखा तो दूर से आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिन्तामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ओ महात्मा जी, ओ महात्मा जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, एक घड़ी आधी
अपना हरे कोटि अपना एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं दुनिया एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं दुनिया आधी भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंताम पिनाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। ओ महात्मा जी, नारद जी ने कहा ये बेटी मेरे लिए क्यों बुलाती है, और जब बुलाया तो कहा बेटी कौन हो आप, तो उस बिटिया ने परिचय दिया कि मेरा नाम बाबा भक्ति है। देखिए वो बेटी अपना परिचय देती और कहती मेरा नाम भक्ति है और मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। देखिए भक्ति दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। उत्पन्ने द्रविणे साहम, भागवत कहती द्रविण देश में भक्ति उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, वृद्धि में वृद्धि को प्राप्त हुई कर्नाटक में। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी भक्ति रही। और हम लोग तो जब महाराष्ट्र में, कई मेरी कथा होती रहती है, तो महाराष्ट्र में अद्भुत भक्ति है। और गुजरे जीर्णताम गता, गुजरात में भक्ति आई तो जीर्ण हो गई। एक गुजराती भाई कहने लगे हम सब गुजरातियों में भक्ति ज्यादा हैं, पर आपकी भागवत में तो वर्णन आता है कि गुजरे जीर्ण ताम गता, गुजरात में जीर्ण हो गई। तो मैंने उस गुजराती भाई को प्रसन्न होने के लिए कहा गुजरे अजीर्ण ताम गता, गुजरात में भक्ति अजीर्ण हो गई, ऐसा भागवत में। और व्रत जब हुई है वो भक्ति व्रत हो गई और वृंदावन में आई। व्रत भक्ति वृंदावन की भूमि से स्पर्श होते ही वो व्रत भक्ति युवा हो गई। बताओ व्रत माता वृंदावन की भूमि से युवा हो गई। आप भक्ति कहती है मैंने संसार में, आपने नारद जी देखा होगा सुना होगा ये माता 60 साल की और बेटा 16 साल के सुने भी होंगे देखे भी होंगे, पर बेटा 60 साल के और माता 16 साल की ना देखा होगा ना सुना होगा। इसलिए हमारे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर दी जाइए। नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि माँ मैंने ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर नहीं किया तो आज से मैं भगवान का दास नहीं, हरि का दास नहीं। और उन्होंने वेद सुनाया, वेदांत पाठ सुनाया, भक्ति सुन रही है, ज्ञान वैराग सुनते सुनते बैठ गए, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया। और जब वेदांत का पाठ बंद हुआ वो गीता पाठेर मोहर मोह गीता का पाठ तो बार बार सुनाया और वो लेट गए। तब तक आकाश वाणी हुई अरे देवर्षे नारद, तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो एक काम करो सत्कर्म करो। नारद जी कहते वेद सुनाना वेदांत पाठ सुनाना क्या ये सत्कर्म नहीं है? तो उन्होंने कहा सत्कर्म का संत लोग उपदेश करेंगे। तो नारद जी सत्कर्म की खोज करने के लिए सीधे बद्रीनाथ पहुंचे। जीवन में तुम्हारे जीवन में कोई प्रश्न का यदि उत्तर नहीं मिल रहा हो तो सीधा आप हिमालय की यात्रा करिए, आपके जीवन में प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आज बद्रीनाथ में नारद जी खड़े हैं का इसलिए मेरा चेहरा उदास है, इसलिए मैं दुखी हूं। सनत कुमार कहते ओह हो इतनी सी बात पर इतने बड़े चिंतित, सत्कर्म क्या है? नारद जी ने पूछा का सत्कर्म ही भागवत है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई
श्रीमद्भागवतालापा सतगीता सुकादि भी। तो आइए कहां चलते हैं हम का हरिद्वार। हरिद्वार किसे बोलते हैं? बद्रीनाथ जो जाते हैं विष्णु भक्त वो बोलते हैं हरिद्वार, हरि का द्वार। और जो शिव के भक्त होते हैं, केदारनाथ की यात्रा करने वाले होते हैं, वो कहते हैं हरिद्वार। शिव के भक्त बोलते ये है हरिद्वार और विष्णु भक्त बोलते ये है हरिद्वार। तो व्यास जी कहने लगे झगड़ा मत करिए ना, इसका नाम हरिद्वार है ना इसका नाम हरिद्वार है, इसका नाम है गंगा द्वार। तो गंगा द्वार बद्रीनाथ से 325 किलोमीटर बीच की जगह जो है वो हरिद्वार है, और हरिद्वार से जो 325 किलोमीटर वृंदावन है। तो वृंदावन से महाराज बुलाया है ज्ञान वैराग्य के लिए भक्ति देवी को वहां पर, और बद्रीनाथ से सनत कुमार नीचे आए, नारद जी प्रधान श्रोता बन के बैठे हैं। तो नारद जी कथा के श्रोता हैं और सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, और आज की कथा को भी यही हम विश्राम देते हैं, क्योंकि समय तो मैंने दिया है 4 बजे तक, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आए सारे कार्य करके। और शुरू में यदि आप लेट होंगे तो इधर भी थोड़ी घड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो आप 12 नहीं तो 12:30 तक आने की कोशिश करें, तो इधर मैं 3:30 बजे कथा विराम की ओर लूं, तो सब ग्रह कार्य भी होते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे और इसके बाद आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाएंगे। और निवेदन है, ये कथा YouTube पर हमारे चैनल पर प्रसारित होगी। क्यों 7 बजे? 7 बजे से 10 बजे तक रात्रि में आप मोबाइल पे हमारा नाम लिखेंगे केशवाचार्य महाराज और ठाकुर बाबा ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ का विशेष प्रसारण आप देख सकेंगे। तो उसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके यहाँ नित्य कथा का नोटिफिकेशन आ सके, और उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और ये कथा आप 50 साल बाद भी देख सकेंगे, 100 साल भी आप नहीं रहेंगे, आपके नाती देखेंगे कि आपके बब्बा जी कथा ठाकुर बब्बा पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। हम रहें, आप रहें, ना रहें, पर ये मोबाइल पर हमारे चैनल पर ये हमेशा जन्म जन्मांतर तक के लिए, जब तक ये मोबाइल रहेगा तब तक ये कथा रहेगी। तो आपके नाती, आपके पर नाती इस कथा को देख सकेंगे। तो ताली बजाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करिए, ना नाती लोग कहेंगे कि बताओ हमारे बब्बा कीर्तन में ताली भी नहीं बजा रहे हैं। तो बीच बीच में ताली, और अच्छे बढ़िया संभल के बैठना, सीधे दिखाई दें और सबकी बढ़िया फोटो आती जाए, और जो दूर बैठे हैं तो वो पास में रोज बैठे, क्योंकि मैंने इनको कह रखा है कि जहां खाली जगह हो वहां आप कैमरा मत ले जाना, जहां भरे हुए लोग बैठे। तो कल से थोड़ा सब संभल के बैठेंगे, पुरुष में पुरुष, महिलाओं में महिलाएं, और बिल्कुल ये हमेशा देख सकेंगे। यद्यपि हर जगह से तो मेरा एक कथा का लाइव प्रसारण होता है, पर यहाँ उतने अच्छे नेटवर्क नहीं है, इसलिए सायंकालीन में प्रसारण होगा। आइए 2 मिनट भाव भक्ति के साथ भगवान का नाम लेते हैं। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो।
बोलो रे गोपाल बोलो रे गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे अवसर जावे 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 रे फिर नहीं आवे अवसर जा मे हाथ से तुम गोविंद बोलो रे अवसर जा मे हाथ से तुम गोविंद बोलो रे बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे गोपाल बोलो रे अमृत बरसे 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 नाम को तुम गुट को पी लो रे अमृत बरसे नाम को तुम गुट को पी लो रे बोलो प्रेम गोपाल बोलो रे Oh,
आरती प्रज्वलित कर ले सभी लोग। खड़े हो जाए सभी लोग। हरि ओम बा ओम चंद्रमा मनि सो जाय तक्षक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्रादिभाश्च कर्णश्च मुखादग्निरजायतो। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो पसीनाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन। भव पसीनाभ मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। तुझसे क्या लेंगे तो तू भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या लेंगे तो तू भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे जयता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास तेरी गाएंगे आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति को
चावल पुष्पाद बरख लीजिए। हरि ओम बाजगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्मणि पृथ्वाल्या शंडा तेहनाकं महिमानः सजंत जत्र पूर्वे शाध्याः शांति देवाः। हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवंति कामकुल चंपक पाटलब्जे पुण्यागजात गर्भेल रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरेवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदत्। नाना सुगंध पुष्पाणि हृदयकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जय वृंदावन बिहारी लाल जय द्वारकाधीश भगवान जय राज धरण की जय रमण भगवान की जय नारायण भगवान की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की ठाकुर बाबा की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की नमः पार्वती अतः हर हर महा